नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। 14 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, वरिष्ठ नेता यशपाल पवार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद विकास का मुद्दा उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और निश्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। नामांकन हो गया है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, क्या चीज महत्वपूर्ण होगी, क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, मीरापुर की जनता के लिए? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि हम मुजफ्फरनगर जिले की जो है शांति व्यवस्था, जो हमारे योगी जी और हमारी पार्टी का एजेंडा है, उसको हम यहाँ कायम जैसे होता है 5 साल से, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि कबाल जैसे दंगे और यहाँ पर जो होता था अपहरण और ये बलात्कार, वो जो 5 साल से सब बंद हैं, उन्हें हम AGT जैसे ही आगे तक कानून व्यवस्था बना कर रखें। इसके अलावा यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको हम बदस्तूर जारी रखें और बढ़िया तरीके से जो काम अब तक हुआ है उसमें और 4 चांद लगा करके इस मुजफ्फरनगर ज़िले को, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर ही सरकार से कोशिश करके इसमें और सारे काम करा के हम इसको बढ़िया सुदृढ़ बना करके। प्रशांत जी, मीरापुर के मतदाताओं में मन में एक शंका है, वो पहले भी 5 साल विधायक से वंचित रहे हैं, आप भी भारी प्रत्याशी हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी आशंकित है वहाँ के लोग, क्या कहेंगे? देखिएगा, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अपना निवास बना रहा हूँ और दूसरी बात ये है कि आदमी आदमी का फर्क होता है। अगर कोई आदमी एक बार किसी हवाई जहाज कोई क्रैश हो जाए तो ये थोड़ी है कि आप हवाई जहाज में बैठना ही बंद कर देंगे, कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए तो ये ज़रूरी थोड़ी है। तो ये तो हर आदमी अलग अलग होता है, वो तो अभी मैं क्या उनकी तारीफ करूँ, क्या उनकी बुराई करूँ, उन्होंने तो अभी जेवर से नॉमिनेशन कर रखा था और अभी आपके ही माध्यम से न्यूज आ रही है कि उन्होंने वहाँ से भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो वैसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए, ये तो लोग पार्टी में क्या है कि ये तो राजनीति के नाम पर कलंक है, ऐसे लोगों को जो है कभी कभी हो जाती है गड़बड़, लेकिन वृत्ति नहीं होगी। लोगों को उनका सही विधायक जो उनके बीच में रहे 24 घंटे, ऐसा विधायक मिलेगा। मैं उनकी हर एक समस्या सुनने का काम करूँगा, उनकी समस्या समाधान करने का काम करूँगा, उनके बीच में रहूँगा, उनके दुख में सुख में उनके साथ रहूँगा, उनको कभी कोई समस्या नहीं आन दूंगा, ये मेरा वायदा है। वहीं गठबंधन से खतौली विधानसभा के प्रत्याशी राजपाल सैनी कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर सहित तो उनके पुत्र शिवान सैनी भी मौजूद रहे। राजपाल सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है और गठबंधन की जीत बहुमत के साथ होगी। दो भाई जनता के पास ऑलरेडी है, जैसे जनता के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना है, मुद्दे तो जनता के पास है, महंगाई का मुद्दा है, जनता के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता के पास गन्ने का मुद्दा है, पेमेंट का मुद्दा है, गंगा सफाई का मुद्दा है, 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे उसका मुद्दा है, 15-15 लाख रुपए हर एक किसी खाते में डालने के वादे किया था उसका मुद्दा है, किसान की आय दुगनी कर दूंगे उसका मुद्दा है, कोई बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा उसका मुद्दा है, सारा काला धन देश में वापस लेकर आ जाऊंगा उसका मुद्दा है। तो जनता के पास तो ऑलरेडी मुद्दे हैं। एक मुद्दा कल नया दिखाई दिया, क्या मौजूदा विधायक जी के साथ में जो काम हुआ हो उस पर क्या कहेंगे? कोई कमेंट नहीं। क्यों? नो, मौजूदा विधायक अगर इस तरह का बर्ताव जनता के साथ करेंगे तो वो विधायक जी देंगे उसका जवाब, मैं थोड़ा ही दूंगा। नहीं, आपको क्या लगता है? अगर मैं तो जनता का सेवक हूँ। नहीं, वहाँ जो जनता की सेवा करनी, मुझे नहीं पता विधायक जी का कहना कि आपके आदमी थे वो? मैं मेरे भाई, ये तो सारे मेरे आदमी, आप नहीं मेरे आदमी, आप मेरे भाई नहीं हो गए, बताओ मेरे भाई नहीं हो गए। क्षेत्रीय मुद्दे कुछ अलग से हो, कुछ विशेष आपके दिमाग? क्षेत्रीय मुद्दे सामने आवेगा, जा रहा हूँ तब उसका समाधान सोचेंगे। क्या है सीटों की, अगर अन्य सीटों की बात की जाए, गठबंधन 6 की 6 सीट गठबंधन जीत रहा है, स्वीप करेंगे, जनता त्राही त्राही है, बहुत दुखी है लोग। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा प्रत्याशी हाजी अनीस नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने दंगों के सिवा कुछ नहीं दिया और बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। तो ये रहेगा भाई, महंगाई जो है, भ्रष्टाचार जो है, इसे खत्म करना है,
बहन जी के सरकार में जो है चार बार सरकार बनी, चार दफे सरकार बनी है। गुंडा राज सब खत्म हो गया था, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, महंगाई खत्म थी। आज महंगाई चरम पे है, जंगल राज चल रहा, गुंडागर्दी चल रही है पूरी इलाके में। कहीं किसी की भैंस खुल रही है, कहीं किसी की गायें खुल रही है, किसी मोटरसाइकिल। हम लोगों ने विकास किया है, पहले चार बार सरकार रही है उसमें, हमने पहले चार दफे सरकार रही बहन जी की, विकास किया।